हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फीट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। आज के सेशन में 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ। दोस्तों, एक एक क्वेश्चन शुरू से लास्ट तक देखिएगा, धैर्य बना के एक भी क्वेश्चन स्किप मत कीजिएगा। एक एक क्वेश्चंस आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो दोस्तों, जैसा कि आप फिजिकल एजुकेशन की किसी भी कंपटीशन एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मेरे चैनल पे सभी प्रकार के कॉन्टेक्ट अवेलेबल हैं। थ्योरी सेशन मैंने टॉपिक वाइज डिटेल में पढ़ाया हुआ है, एंड प्रैक्टिस एमसीक्यू प्रैक्टिस भी चैप्टर वाइज कराया हुआ है, एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस, एंड 79-80 वीडियोज का मैंने बीपीएससी TRE2 में इंग्लिश हिंदी दोनों में ऑल चैप्टर का एमसीक्यू प्रैक्टिस चैप्टर वाइज कराया हुआ है। एंड मैं डेली बेसिस पे 2024 के बैच में यह 55वां वीडियोज है सभी फिजिकल एजुकेशन एग्जाम्स के लिए। जैसा कि आपका बीपीएससी जो है TRE3 10-11-12 जून को कंडक्ट होना है। तो दोस्तों, आप डेडिकेशन बनाए रखिए और अपने मुख्य मुख्य जो फॉल्ट है उस पर ध्यान दीजिए। तो चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। एक नंबर के क्वेश्चन है दोस्तों आज के, एक एक क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा, एक एक क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है दोस्तों, पैरालंपिक खेलों का मोटो क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीपीएससी TRE2 में ये पूछा हुआ था कि पैरालंपिक खेलों का मोटो क्या है। तो दोस्तों, पैरालंपिक खेलों का मोटो है, आई होप कि आप सही आंसर टिक कर दिए होंगे। कौन है दोस्तों? स्प्रिट इन मोशन। पैरालंपिक खेलों का मोटो क्या है? स्प्रिट इन मोशन, एक क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। स्प्रिट इन मोशन यानी गति में आत्मा, आदर्श वाक्य यानी मोटो है पैरालंपिक का। और याद रखिए, पैरालंपिक की शुरुआत, प्रथम पैरालंपिक गेम 1960 रोम में हुआ था। और पैरालंपिक में जैसे कि शारीरिक मानसिक रूप से भी विकलांग होते हैं, जैसे वैसे खेल में गतिशीलता, विकलांगता, अंधापन, सेरेब्रल पॉल्सी जैसी विभिन्न विकलांगताओं वाले एथलीटों के लिए प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बहु खेल आयोजित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस शहर में साई यानी स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हाइपोक्सिक सेंटर स्थापित है। तो दोस्तों, हरियाणा के सोनीपत में साई का हाइपोक्सिक सेंटर स्थापित है। नेक्स्ट है, WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का गठन किस समय हुआ? तो दोस्तों, 7 अप्रैल 1948 को WHO का गठन हुआ। नेक्स्ट है, आत्मविश्वासी होना स्वास्थ्य के लिए किस आयाम में आता है? दोस्तों, शारीरिक आयाम में साफ सफाई एंड व्यायाम आ जाएगा, निरोग आ जाएगा, एंड आध्यात्मिक में योग, प्राणायाम, सामाजिक में सबके साथ अच्छा व्यवहार करना, विनम्रता होना। या आत्मविश्वासी जो है, एक कौन सा आयाम है? मानसिक आयाम। ठीक है, ये सभी स्वास्थ्य के आयाम हैं, फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल यानी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एंड आध्यात्मिक। ये स्वास्थ्य के 4 आयाम हैं, इसमें से आत्मविश्वासी होना मानसिक आयाम है। नेक्स्ट है, एगमार्क का संबंध किससे है? तो दोस्तों, एगमार्क का संबंध जो है खेती के उत्पादन से है। नेक्स्ट है, विद्यालय स्वास्थ्य के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेदार होता है? तो दोस्तों, विद्यालय में मुख्य कौन होता है? सभी को संचालित करने वाला प्रधानाचार्य, तो प्रधानाचार्य ही जिम्मेदार होगा। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने किस योजना के तहत स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत 2019 में विद्यालयों की स्वास्थ्य संवर्धन और योग के निवारण क्षमता को मजबूत करने के लिए किया? तो आयुष्मान भारत के तहत। किसके भारत के तहत? योजना के तहत, आयुष्मान भारत के तहत।
नेक्स्ट है, किसने कहा कि सार्वजनिक शिक्षा शिक्षा के संपूर्ण क्षेत्र का वह भाग है जिसका संबंध बृहद पेशी प्रक्रियाओं तथा उनसे संबंधित अनुक्रियाओं के साथ है। दोस्तों ये परिभाषा या डिफिनेशन जो है कई बार रिपीट हो चुका है, आई होप कि इस परिभाषा को पढ़ते ही आपने सही आंसर टिक कर दिया होगा। तो इस परिभाषा को दिया है जेबी नैस ने। नेक्स्ट है, शरीर के विभिन्न अंगों की माप किस विज्ञान के अंतर्गत की जाती है? तो दोस्तों एंथ्रोपोमेट्री यानी मानव मिति में शरीर के विभिन्न अंगों की माप जैसे कि बीएमआई, बीएमआर एंड स्किन फोल्ड कैलिपर, लंबाई चौड़ाई वसा मापना, ये सभी एंथ्रोपोमेट्री में होता है। नेक्स्ट है, दर्शन शास्त्र यानी फिलॉसफी के संबंध में निम्न में से क्या विषम है? तो दोस्तों एस्थेटिक्स यानी सौंदर्य शास्त्र दर्शन शास्त्र के अंतर्गत आता है, एंड नीति शास्त्र यानी इथिक्स, अध्यात्म शास्त्र यानी मेटाफिजिक्स, ये तीनों जो है दर्शन शास्त्र के अंतर्गत आते हैं बट चिकित्सा शास्त्र नहीं आता। नेक्स्ट है, निम्न को क्रमिक रूप से लिखना है आपको। तो दोस्तों मैंने कई बार बताया हुआ है, सबसे पहले सुकरात हुए, फिर उनके शिष्य प्लेटो हुए, फिर उनके शिष्य अरस्तु हुए, तब जाकर के बीजेंटियंस हुए। आप इसको मिला सकते हैं सीक्वेंस बाय, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, पहले सुकरात, फिर प्लेटो, फिर अरस्तु, फिर विलियम जेम्स, यानी सुकरात के शिष्य प्लेटो, प्लेटो के शिष्य अरस्तु, अरस्तु के शिष्य कौन से दो? दोस्तों सिकंदर, सिकंदर अरस्तु का शिष्य था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, ताराचंद कमेटी का गठन किस वर्ष किया गया? दोस्तों ताराचंद कमेटी का गठन 1948 में किया गया। नेक्स्ट है, शलभासन में किसकी आकृति बन जाती है? तो दोस्तों शलभासन में पेट की तरफ से लेट जाते हैं, दोनों हाथ अंदर की तरफ करते हुए पेट के नीचे दोनों उंगलियों को, दोनों हाथों की उंगलियों को फंसाते हुए टाइट कर लेते हैं और फिर अपनी सांस अंदर खींचते हुए अपने सिर को एंड छाती को ऊपर उठाएंगे और पीछे दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे, इसमें आपका टिड्डी जैसी आकृति बनती है स्थलभाषण में। नेक्स्ट दोस्तों, स्वाध्याय का संबंध निम्न में से किससे है? तो स्वाध्याय का संबंध जो है, जैसे कि महर्षि पतंजलि ने अपने योग शास्त्र में पतंजलि योग सूत्र में अष्टांग योग की बात कहा है, जिसमें उन्होंने शरीर मन और आत्मा की शुद्धि के लिए 8 चरण बताए हुए हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, जिसमें से जो प्रथम होता है यम, वो सामाजिक अनुशासन होता है यानी परहेज या बचाव, जिसमें अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह आता है। दूसरा होता है नियम, जिसमें व्यक्तिगत अनुशासन अपने आप का देखभाल करना, जैसे कि शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, ये सभी व्यक्तिगत अनुशासन के अंतर्गत यानी कि नियम के अंतर्गत आते हैं। तो स्वाध्याय किस में आ जाएगा दोस्तों? नियम के अंतर्गत। नेक्स्ट है, त्राटक क्या है? तो दोस्तों नेति दूति नौली बस्ति त्राटक कपाल भाति, ये सभी शुद्धि क्रिया सटकर्म के भाग हैं, यानी त्राटक किसका भाग हो जाएगा? शुद्धि क्रिया का भाग है, ये क्वेश्चन योग से जरूर पूछा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, 21/6/2020 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया? जैसा कि 21 मई 2015 से स्टार्ट हुआ है, तो आप इसके हिसाब से जोड़ सकते हैं। तो 21 मई 2020 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है? तो छठवां। अब जबकि 2024 में कौन मनाया जाएगा? 20 छठवां हो गया, 2021 सातवां, 2022 आठवां, 2023 नौवां,
2024 जो मनाया जाएगा, 10वां मनाया जाएगा। नेक्स्ट है योग के राष्ट्रीय संस्थान का क्या नाम है? तो दोस्तों योग का राष्ट्रीय संस्थान है मुरारजी देसाई योग संस्थान नई दिल्ली में। नेक्स्ट है मदिरा में कौन सा रासायनिक यौगिक पाया जाता है? तो दोस्तों मदिरा में यानी शराब में जो है इथेनॉल पाया जाता है। क्या पाया जाता है रासायनिक यौगिक? इथेनॉल। नेक्स्ट है सिगरेट में कौन सा रसायन पाया जाता है जो तंत्रिका तंत्र व हृदय की गतिविधियों को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। तो उसमें होता है दोस्तों निकोटीन। क्या होता है? निकोटीन। सिगरेट तंबाकू इस समय क्या होता है? निकोटीन। नेक्स्ट है वाडा वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का जो मुख्यालय है वह कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में है। तो यहाँ पे कनाडा आपका राइट आंसर होगा। वाडा का स्थापना 10 नवंबर 1999 में स्विट्जरलैंड के लुसेन शहर में हुआ था, जिसका मुख्यालय कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल में है। एंड वर्तमान अध्यक्ष हैं वाडा के जॉन फाहे। एंड नाडा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी की स्थापना 24 नवंबर 2005 में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट है निम्न में से क्या उत्तेजक के संबंध में विषम है? तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं बीटा कोकीन, एम्फेटामाइन, मिथाइल एक्जोनिमाइन, ये तीनों के तीनों उत्तेजक यानी स्टिमुलेंट्स के अंतर्गत आते हैं, जबकि बीटा ब्लॉकर्स एक अलग सप्लीमेंट है। उत्तेजक के अंतर्गत आपका एम्फेटामाइन, कोकीन, कैफीन, बीटा एगोनिस्ट, एफेडिन, मिथाइल एक्जामिनाइन आता है। नेक्स्ट है डायुरेटिक्स के संबंध में निम्न में से मेल नहीं खाता? तो दोस्तों डायुरेटिक्स जो होता है इसको वेट रिड्यूसिंग ड्रग कहा जाता है, क्योंकि ये भार को कम करता है और ज़्यादा यूरिन बनाता है, और यूरिन पानी जो है यूरिन के रास्ते बाहर आ जाता है। और 24 से 48 घंटे में लगभग 35% भार कम हो जाता है। और डायुरेटिक्स का प्रयोग भार से जुड़े खेलों के खिलाड़ी जैसे कि रेसलिंग यानी कुश्ती एंड मुक्केबाजी यानी बॉक्सिंग, जूडो, कबड्डी आदि प्रकार के खिलाड़ी इसको यूज करते हैं। तो यहाँ पे जूडो भी हो गया, कबड्डी, बॉक्सिंग हो गया, इसमें क्या मेल नहीं खाता है? जूडो, कबड्डी, बॉक्सिंग भार वाले खिलाड़ी यूज करते हैं डायुरेटिक्स को, जबकि यहाँ पे फुटबॉल नहीं आता। डायुरेटिक्स का प्रयोग जो है 3 चीज़ों के लिए किया जाता है। अक्सर इसको प्रयोग एनाबोलिक स्टेरॉयड के साथ या उसके बाद किया जाता है, जिससे कि पेशी में कर्स यानी कर्स लुक दिखाई देते हैं। तो इसका जो डायुरेटिक्स होता है 3 चीज़ों के लिए प्रयोग किया जाता है। एक तो भार कम करने के लिए, दूसरा डोपिंग को छुपाने के लिए यानी कि इसके प्रयोग से यह नहीं पता चल पाता है कि खिलाड़ी ने कौन सा रसायन लिया है, और तीसरा प्रयोग महिलाओं के जो मासिक धर्म होता है उसके समय को परिवर्तित करने के लिए। नेक्स्ट है निम्न में से किसके सेवन से महिलाओं में पौरुष तत्व के गुण आ जाते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, महिलाओं में पौरुष तत्व का गुण किस रसायन के प्रयोग से होता है, यानी कि पुरुष वाले गुण जैसे दाढ़ी मूछाना, हार्मोनल चेंजेज आ जाते हैं, तो वो होता है आपका एनाबोलिक स्टेरॉयड्स। एनाबोलिक स्टेरॉयड जो है खेल की दुनिया में सबसे अधिक डोपिंग के रूप में प्रयोग होता है। एनाबोलिक स्टेरॉयड को शॉर्ट में AAS बोला जाता है, ठीक है, AAS बोला जाता है। ए से तात्पर्य होता है एंड्रोजेनिक, और AS से एंड्रोजेनिक एनाबोलिक स्टेरॉयड।
तो एंड्रोजेनिक से तात्पर्य होता है पौरुष तत्व यानी मस्कुलिनिक, मसल्स में असीम वृद्धि कर देता है सहनशीलता में। एंड एनाबोलिक का अर्थ होता है टिश्यू बिल्डिंग, उत्तकों का निर्माण। इसके सेवन से पेशियों की ताकत व सहनशीलता में असीम वृद्धि हो जाती है, जिसे खिलाड़ी जो है मानसिक रूप से अपने आप को मजबूत समझने लगता है। एनाबोलिक स्टेरॉइड के अंतर्गत नेड्रोलोन, स्टेनेजोल, टेस्टोस्टेरोन, ट्रेनबोलोन, मेथियोनोन, मिथाइल टेस्टोस्टेरोन आदि आता है। नेक्स्ट है, किस ओलंपिक खेल में डोपिंग को पहली बार शपथ में शामिल किया गया? तो दोस्तों, डोपिंग के विरुद्ध शपथ लिया गया सबसे पहले 2000 सिडनी ओलंपिक में। कब लिया गया? 2000 सिडनी ओलंपिक में। दो चीजों में याद रखिएगा, सबसे पहले ओलंपिक में शपथ कब लिया गया? 1920 एंटवर्प ओलंपिक में। लेकिन जब डोपिंग के विरुद्ध पहली बार शपथ की बात करेगा तो 2000 सिडनी ऑस्ट्रेलिया ओलंपिक में, जिसमें रैचेल हॉके जो ऑस्ट्रेलिया की महिला हॉकी दल की कप्तान थी, उन्होंने डोपिंग के विरुद्ध शपथ ली थी। नेक्स्ट है, निम्न में से क्या विषम है? तो दोस्तों, यहाँ पे क्या विषम है, इसमें टोर्निके, ट्राई एंगुलर बैंडेज एंड स्लिंग, सभी का संबंध प्राथमिक उपचार से है। बट चार्ली हॉर्स एक प्रकार का, जो हमारा जांघ के ऊपर क्वाड्रिसेप्स मसल्स होती है, उसमें क्रैम्प या स्पॉजम या कॉन्ट्यूजन या चोट लगना होता है, तो यहाँ पे चार्ली हॉर्स विषम है। नेक्स्ट है, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी का गठन कब हुआ? तो दोस्तों, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी का गठन 1920 में किया गया। नेक्स्ट है दोस्तों, चोट लगने के पश्चात RICE नामक सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है, इसमें ई से क्या तात्पर्य है? तो चोट लगने के पश्चात RICE पद्धति का प्रयोग किया जाता है, इसे प्राथमिक उपचार फर्स्ट एड के अंतर्गत, जिसको थंब रूल भी बोला जाता है। तो यहाँ पे RICE से तात्पर्य होता है रेस्ट, आई से मतलब आइस यानी बर्फ लगाना, सी से कंप्रेशन यानी दबाना, ई से इलेवेशन यानी कि हृदय की ऊंचाई से ऊपर उठाना। तो ई से क्या तात्पर्य होगा दोस्तों? इलेवेशन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, कोल्ड स्प्रे में कौन सी गैस भरी रहती है? तो दोस्तों, जो कोल्ड स्प्रे होती है उसमें कौन सी गैस भरी होती है? मीथेन और इथाइल क्लोराइड। कौन भरा रहता है? मीथेन और इथाइल क्लोराइड। यहाँ पे मीथेन नहीं दिया है, इथाइल क्लोराइड आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, फिजियोथेरेपी नामक शब्द में फिजियो से क्या तात्पर्य है? दोस्तों, फिजियोथेरेपी यानी शारीरिक चिकित्सा, तो फिजियो मतलब शारीरिक, थेरेपी मतलब चिकित्सा, तो फिजियो से क्या तात्पर्य है इसमें? फिजिकल यानी शारीरिक। नेक्स्ट है, विटामिन B12 का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आप सबको पता है, साइनोकोबाल्मिन। क्या नाम है? साइनोकोबाल्मिन। इसके कोबाल्ट धातु पाया जाता है, ये RBC के निर्माण में सहायक होता है, विटामिन B12। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, निन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? निन यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन का मुख्यालय हैदराबाद में है। कहाँ है? हैदराबाद में। नेक्स्ट है, मानव शरीर में कौन सा खनिज लवण सबसे अधिक प्रतिशत में पाया जाता है? तो दोस्तों, खनिज लवणों में बात करें तो सबसे अधिक प्रतिशत में मानव शरीर में पाया जाता है कैल्शियम, यानी कि 1.5%। हमारे मानव शरीर में 1.5% कैल्शियम, 1% फॉस्फोरस, 0.4% पोटेशियम, 0.3% सल्फर, 0.2% सोडियम और 0.2% क्लोरीन
एंड 0.1% मैग्नीशियम आदि पाया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, गुड कोलेस्ट्रॉल किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल दो प्रकार के होते हैं, एचडीएल एंड एलडीएल। जो एचडीएल होता है उसे गुड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जो हमारे बॉडी के लिए अच्छा होता है। दूसरा होता है एलडीएल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जो हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता, बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। ठीक है, तो गुड कोलेस्ट्रॉल यानी एचडीएल की मात्रा अधिक होना चाहिए एंड बैड कोलेस्ट्रॉल यानी एलडीएल की मात्रा बहुत कम होना चाहिए हमारे बॉडी में। नेक्स्ट है, निम्न में से क्या विषम है? तो दोस्तों, इसमें क्या विषम है ध्यान से पढ़िए। निकोटीन एक उत्तेजक पदार्थ है, यानी कि जैसे कि सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू आदि में पाया जाता है। जबकि मायोसिन एक प्रोटीन है, अंडों में, मांस मछलियों में पाया जाता है। एल्ब्यूमिन प्रोटीन है जो वसा, जैसे कि हमारे रक्त को बांटा गया है दो भागों में, प्लाज्मा एंड रक्त कणिका। तो प्लाज्मा में एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और प्रथंबिन पाया जाता है, ये भी प्रोटीन है। एंड कैसिनोजिन जो है आपके अमाशय से रेनिन जो है एंजाइम होता है उसको कैसिन में बदलता है, ये भी आपके शारीरिक प्रक्रिया में सम्मिलित है, लेकिन निकोटीन नहीं है। तो निकोटीन आपका यहाँ पे विषम होगा। नेक्स्ट दोस्तों, निम्न में से क्या विषम है? तो यहाँ पे विटामिन डी विषम है। क्यों विषम है? क्योंकि विटामिन बी, सी और एच ये दोनों जल में घुलनशील है, तीनों जल में घुलनशील है, जबकि विटामिन डी जो है वो फैट सोल्युबल यानी कि वसा में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, तो जल में घुलनशील विटामिन यानी कि वाटर सोल्युबल जो है विटामिन बी, सी, एच है, और वसा में घुलनशील फैट सोल्युबल विटामिन है ए, डी, ई, के या के, ई, डी, ए, कीड़ा, ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है, टमाटर में कौन सा एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है? तो दोस्तों, टमाटर में लाइकोफीन नाम का एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, राष्ट्रमंडल खेलों का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रमंडल खेलों का मुख्यालय जो है लंदन में स्थित है। नेक्स्ट है, लाल शाह बुखारी किस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान रहे हैं? तो दोस्तों, ये जो है 1932 ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गोल्डन हॉट ट्रिक माई हॉकी डेज किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो दोस्तों, यह आत्मकथा है बलबीर सिंह का। नेक्स्ट है, साक्षी मलिक ने किस भार वर्ग में रियो ओलंपिक 2016 में कांस्य पदक अर्जित किया था? 2016 में साक्षी मलिक ने किस भार वर्ग में कांस्य पदक प्राप्त किया था दोस्तों? तो 58 kg भार वर्ग में। तो दोस्तों, साक्षी मलिक भारतीय पहली महिला भारतीय कुश्ती खिलाड़ी हैं जो ओलंपिक में कोई पदक हासिल की हैं महिलाओं में। नेक्स्ट है, प्रथम एशियन खेलों के उद्घाटन की घोषणा किसने की थी? तो दोस्तों, प्रथम एशियन खेलों के उद्घाटन की घोषणा देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। नेक्स्ट है, किस महिला खिलाड़ी को मैग्निफिसिएंट मैरी के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, मैरी काम को जाना जाता है, आप सब लोग जानते हैं इनके बारे में। नेक्स्ट है, कोनेरू हम्पी नामक भारतीय महिला खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है? तो मोस्ट पॉपुलर है
शतरंज के क्षेत्र में पुनेरू हम्पी, तो शतरंज से है ये। नेक्स्ट है, निम्न में से किसका संबंध कुश्ती से नहीं है? तो दोस्तों गीतिका जाखड़, अलका तोमर, नेहा राठी, इन तीनों का संबंध जो है कुश्ती से है, बट प्रिया पुनिया का संबंध कुश्ती से नहीं है। नेक्स्ट है, भारतीय महिला प्रशिक्षक सुनील डबास को किस खेल के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला? तो इनको कबड्डी कोच के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला। जैसे कि आप जानते ही हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार बेस्ट प्रशिक्षक को मिलता है, तब ये एशिया के नंबर वन कबड्डी कोच हैं सुनील डबास। नेक्स्ट है, पूर्णिमा ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? दोस्तों पूर्णिमा ट्रॉफी का संबंध जो है वो वॉलीबॉल से है। नेक्स्ट, रूबेला नामक रोग शरीर के किस विषाणु से फैलता है? तो रूबेला जो है वो वायरस, यानी वायरस से फैलने वाला रोग है, तो यह टोंगा वायरस से फैलता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, टोंगा वायरस से। रूबेला को जर्मन खसरा भी बोला जाता है, इंग्लिश में मिजल्स बोला जाता है। नेक्स्ट है, रैबडो वायरस का संबंध किस रोग से है? तो रैबडो वायरस का संबंध किस रोग से है दोस्तों? रेबीज, जिसे हाइड्रोफोबिया भी बोला जाता है। रेबीज को हाइड्रोफोबिया या अलग रोग बोला जाता है, जो रैबडो वायरस से फैलता है। रेबीज जो है संक्रमित स्तनधारियों से दूसरे जीव में फैलता है, जैसे पागल कुत्ते और जानवरों के काटने से। यह रेबीज जो है तंत्रिका तंत्र को, नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है, और इसमें तेज बुखार और सांस लेने में परेशानी और पानी से डर लगता है। नेक्स्ट है, निम्न में से क्या विषम है? तो दोस्तों यहाँ पे खसरा, चेचक, पोलियो तीनों वायरस से फैलने वाले रोग हैं, बट आपको फाइलेरिया जो है वह पैरासाइटिक रोग है। फाइलेरिया जो है परजीवी यानी कि प्रोटोजोआ से फैलने वाला रोग है, इसलिए यहाँ पे विषम क्या है? फाइलेरिया। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, एलिसा परीक्षण निम्न में से किस रोग से संबंधित है? तो याद रखिएगा, एलिसा एंड वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट जो है वो एड्स को पता लगाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों एड्स का पता लगाने के लिए किया जाता है एलिसा एंड वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, जबकि इसमें ऑप्शन नंबर डी राइट दिया हुआ है, एंटीबॉडीज, वायरल रोग रोग उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन को क्लियर करना है, क्योंकि हर जगह आपने पढ़ा है कि एलिसा एंड वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट जो है एड्स के लिए परीक्षण के संबंधित है, और हो सकता है कई और रोगों के लिए परीक्षण किया जाता हो, बट एड्स आपका ज़्यादा राइट होगा। और जो भी कन्फ्यूजन होगा मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका समाप्त करूँगी। तो दोस्तों ये था आज के सेशन में 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस, जो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जो भी डाउट होगा कमेंट में ज़रूर बताइए, जो भी गलतियाँ होंगी कहीं मिस्टेक पॉइंट वो भी कमेंट में बताइए दोस्तों, क्योंकि गलतियाँ इंसान से ही होती है, तो एक दूसरे से मिलकर ही हम सुधार सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया कीजिए, जिससे अन्य लोगों तक वीडियो पहुँच सके, एंड डेली बेसिस पे इस तरह प्रैक्टिस करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो प्रैक्टिस में, तब तक के लिए जय हिंद।